बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, कल जो हमने नोट शेयर किए थे ना, फर्स्ट पोएम थे एफएससी इंग्लिश फर्स्ट ईयर पोएट्री की, जो फर्स्ट पोएम हमने पढ़ी थी, तो हमने उसके नोट शेयर किए थे कल। वो नोट्स ना बड़े वाजे नहीं आए थे, कैमरा लॉकडाउन की वजह से वो कुछ प्रिंट नहीं मिला था, और जो एक्सटर्नल कैमरा था उसकी वजह से बहुत अच्छे वो उसका वो नहीं आया था रिजल्ट। तो आज हमने इंटरनल कैमरा यूज करते हुए आपके नोट्स को आप तक शेयर करने का ना बड़ा अच्छा इंतजाम किया है, ताकि आप बड़े आराम से उसको राइट डाउन कर सकें, और आपको एक जो हमने एफर्ट की है उसको आप फुली इंजॉय कर सकें और आप उसको राइट डाउन कर सकें। तो आप ऐसा करें डियर स्टूडेंट्स कि आप अभी अपनी कोई कागज पेंसिल निकाल ले और अपने नोट्स तरतीब देना शुरू कर दे। गुजारा है इन हालात में, जो मुल्की हालात हैं, आपको इसके पेश नजर एक बेहतरीन सहूलत हम दे रहे हैं। देखें, हमने पोइम पढ़ ली थी, हमने लेक्चर लास्ट लेक्चर में हमने रीड कर लिए थे इसको, तो नोट शेयरिंग में थोड़ा हमारा इश्यू आया था। तो देखें, आज हम इसको हल्का सा रिव्यू भी कर देते हैं पोएम को। आपको पता है ये विलियम डेविस ने लिखी है, ये बड़े मॉडर्न पोएट हैं, और ये नेचर के थ्रू जो है, जो हमारे माशरे के मसाइल हैं उनको टच करते हैं, यानी कि फितरत के इमेजेस लेते हैं, उनमें उनका सिंपल इस्तेमाल करते हुए ये हमेशा जो है ये उसके ऊपर तनकीद भी करते हैं, और आप नेचर के थ्रू वो हमारे जो माशर्ती मसाइल हैं उनको, जैसे इसके फर्स्ट स्टैंजा के अंदर उन्होंने ये जो है मुसावात, अदम मुसावात जो है माशरे के अंदर, जो सबको मसाइल बराबर नहीं मिलते, इसको सिंबलिज्म के जरिए हाईलाइट किया। इसमें उनकी जो नेचुरल कंपोजिशन है वो भी बड़ी जबरदस्त है। तो हम पहला स्टैंजा देखते हैं, पहले स्टैंजे के ऊपर आप हम पहले बात करेंगे। तो आई हेयर द Leaves drinking rain, I hear the leaves drinking rain. I hear the rich leaves on top, giving the poor beneath, drop after drop. Tis a sweet nice to hear. आज मैं थोड़ा इसको फिर रिव्यू कर देता हूं, पहले वैसे फर्स्ट लेक्चर में ही बात हो चुकी है। असल में देखें, एक तो दी रेन है, आम रेन नहीं है, जो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है, रेन को उसने पर्टिकुलराइज कर दिया है, लेकिन इसका मतलब है कि ये जो रेन है इसके कोई और भी मीनिंग्स है, सिर्फ ये कोई फिजिकल रेन ही नहीं है। फिर दूसरी बात, ये आई हियर द लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं सुनता हूं कि पत्ते पानी पी रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल किया हुआ है। आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर जो है ना, वो रोजमर्रा की बातें होती हैं, जो डेली की रूटीन हो, यानी ये जो मामला है, जो बारिश जो है ना, ये सिर्फ एक दिन की बारिश नहीं है, आई हियर ये कंटिन्यूस बारिश हो रही है। ये जो भी बारिश है ये बेशक नाइंसाफी की बारिश है, ये अदम मुसावात की बारिश है, जो जैसी भी बारिश है ये है रूटीन मैटर। आई हियर द रिच लीव्स ऑन टॉप, गिविंग द पुअर बीनीथ, मैं देखता हूँ कि जो ऊपर वाले अमीर पत्ते हैं ना, वो निचले वालों को बीनीथ के माने नीचे होते हैं, गिविंग द पुअर बीनीथ, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। इट्स अ स्वीट नाइस टू हेयर, ये सुनने को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा भला लग रहा है सुनने को, ये बड़ा अच्छा है। दुनिया का काम, दुनिया का रहना, कायनात जो है, ये सुनने को तो बड़ी अच्छी चीज है। दिस ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग रेन, करीब ये पत्ते पानी पी रहे हैं, ये मैंने तरह चलो फिर एक रिव्यू कर दिया है। इसके अंदर शायर ने जो है वो पर्सोनिफिकेशन भी इस्तेमाल किया, जैसे ड्रिंकिंग का कंसेप्ट है, यानी जब ह्यूमन क्वालिटी अटैच करते हैं किसी अदर ऑब्जेक्ट के साथ, किसी बेजान चीज के साथ, किसी आइडिया के साथ, तो उसने ड्रिंकिंग का कंसेप्ट रचा। एनीवे, मैंने कल भी आपसे बात की थी कि जो सबसे तीन लेवल है पोइट्री को डिस्कस करने के, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है, सिनोनिम्स है, और क्वेश्चन आंसर है। आज के इस लेक्चर में हम जो है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। तो रेफरेंस, इसको आप मैट्रिक में हवाला मतन कहते, तो वही होता है। तो दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रेन,
कंपोज्ड बाय W.H. Davies. आपको क्लियर नजर आ रहा है स्क्रीन पे दिस पोएम? अच्छा, आप दूसरे नंबर, पहले तो आपने रेफरेंस दे देना है। कोशिश करें कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को अलग अलग कर ले। अगर आप इकट्ठे भी लिख लें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, वो भी कोई गलत नहीं है। आपकी मर्जी, जरा इजी हो जाता है रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो जाए और माइंड में रखना भी इजी हो जाता है थोड़ा सा। तो वैसे कोई हर्ज नहीं है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है। दिस पोएम डिस्क्राइब द एनचेंटिंग सीन ऑफ रेनफॉल इन अ ब्यूटीफुल एंड नेचुरल वे। एनचेंटिंग के माने होते हैं सहर अंगेज, दिल को लुभा लेने वाला, अट्रैक्टिव। अच्छा, ये पोएम जो है ये एक नेचुरल और खूबसूरत सीन को बयान करती है। एनचेंटिंग के माने होते हैं दिलकश। द पोएट शेयरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ रेनफॉल सेज, जो शायर है वो अपने जो रेनफॉल का एक्सपीरियंस है ना उसको शेयर करता है, बताता है दैट ही हियर्स द फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स, कि वो बारिश कतरों को जो है वो सुनता है गिरते हुए। ही ऑब्जर्व, वो मुशाहदा करता है दैट द लीव्स ऑन द अपर लेवल गेट द ड्रॉप्स फर्स्ट, ऊपर वाले हिस्से वाले जो पत्ते वो पहले जो है पानी हासिल कर लेते हैं एंड सेटिस्फाई देयर थर्स्ट, आफ्टरवर्ड दे पास ऑन ड्रॉप्स टू द लोअर लीव्स। This whole process causes a composition of a very sweet music. The poet hopes that the sun will shine brightly after the rain ceases to fall. It will redouble the delight that nature can offer. Moreover, the poem shows the poet's love and admiration for all pervading nature, but with social undertones. इसके अंदर social undertones, इसके समाजी जो मसायल है उनकी भी एक आवाज, छुपी आवाज हम सुन रहे हैं इसमें। तो ये रेफरेंस हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, अब एक्सप्लेनेशन है। देखिए इसके पांच नंबर होते हैं, ये पांच के पांच नंबर आ सकते हैं आपके। अगर आप एफएससी का तालिबे इल्म करें, नंबर बड़े कीमती होते हैं, तो आप अपने कोशिश ये करनी कि इसको राइट डाउन कर ले सारे को। इन द गिवन लाइन द पोएट डिस्क्राइब्स अ ब्यूटीफुल सीन ऑफ रेनफॉल इन अ क्वाइट रियलिस्टिक वे। इट शोज हिज अफिलिएशन विद नेचर, विद natural beauty. He hears the sound of the raindrops falling on leaves. He feels as if the leaves were drinking rain and quenching their thirst. The upper leaves, after their total satisfaction, pass on the drops to the lower leaves. These are highly symbolic lines, as we know that the rich people at upper level succeed to get and enjoy the maximum sources in society. Whatever remains is slowly transferred to the lower classes. So rain is also a symbol of injustice and inequality in the society. On the other hand, the whole phenomenon produces a pleasant music that prevails on atmosphere and leaves the soothing effect. Soothing होता है बड़ा आराम दे, comfortable effect जो होता है on the minds of the readers. जब अपने इसमें कोशिश ये करें जो आपकी एक्सप्लेनेशन है इसमें कोई ना कोई कोटेशन भी होनी चाहिए। मैंने कोटेशन सर्च किया आपके लिए, एक्सप्लेनेशन के अंदर अगर कोटेशन हो जाए तो आपके नंबर कटने के जो चांसेस है वो जीरो हो जाते हैं। पांच के पांच नंबर आपको मिल सकते हैं। लेट द रेन बीट अपॉन योर हेड विद द सिल्वर लिक्विड ड्रॉप्स, लेट द रेन सिंग यू आर ललाबी। ललाबी क्या होती है? लोरी, कि जो रेन है वो आपको लोरी सुनाती है। ये लैंगस्टन हक्स ने लिखी है। दिस लाइन द स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ जॉय एंड सॉरो हिडन इन सिम्बोलिज्म। इसके अंदर देखें, मैंने आपको ये पोएम पढ़ाते हुए लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये पोइट्री ऐसी करता है शायर कि बच्चा पढ़े वो भी इंजॉय करता है इसके रिदम को, बड़ा पढ़े तो उसमें से अपने मीनिंग निकाल लेता है, बच्चा पढ़ेगा तो इसको इंजॉय करेगा और मेच्योर बंदा पढ़ेगा तो वो इसके अंदर जो अपर लीव्स रिच है, जो बड़े लोग छोटे लोग एहतसाल करते हैं, उनके नजायज फायदा उठाते हैं, उनको वसाइल कम मिलते हैं, तो उसके भी इसमें मैसेज है। अच्छा, तब फिर एक आपने एक्सप्लेनेशन में ये काम करना होता है कि अगर कोई लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल हुई हो इन लाइनों के अंदर, जैसे कि इन लाइनों के अंदर पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुई है। पर्सोनिफिकेशन जो है वो हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर के अंदर, आपको मैंने बताया है कि पर्सोनिफिकेशन होता है किसी ह्यूमन क्वालिटी को इंसान के किसी ख्याल, किसी जीवजान चीज
या किसी और ऑब्जेक्ट के साथ जब आप रिलेट करते हैं, पर्सोनिफिकेशन, यानी पर्सन से लफ्ज निकला है पर्सोनिफिकेशन, इसी इसको उर्दू में मिले तजसीम कहते हैं, यानी आपने किसी ख्याल को, किसी आइडिया को ना जिस्मानी शक्ल में पेश करना होता है या इंसानी रूप उसको देना होता है। तो द पॉइंट आल्सो यूज द डिवाइस ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द लाइंस टू मेक दिस मैसेज मोर मीनिंगफुल। द ह्यूमन क्वालिटीज आर अटैच्ड टू द लीव्स ड्रिंकिंग ग्रेन। अब जो ड्रिंकिंग है ये ह्यूमन क्वालिटी है, हालांकि पत्ते तो पानी नहीं पीते हैं ना, पीता तो इंसान है। तो जो पीने का लफ्ज है यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है रेन के साथ। मोरओवर द वर्ड लाइक रिच लीव्स, अब रिच पत्ते तो नहीं होते, इंसान होते हैं, तो रिच के और भी मानी है, लेकिन यहाँ पर जो है बहरहाल एनीवे पर्सोनिफाई कर रहा है। द लैंग्वेज ऑफ दिस लाइन इज वेरी सिंपल बट हैज अ ग्रेट हार्मनी विद द थीम। अब नेक्स्ट जो स्टैंजा है इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टैंजे में टोटल उसने अपना रिदम चेंज कर लिया है, काफी बदल गया है, टोन बदल गया है, उसकी राइम स्कीम बदल गई है सारी। एंड व्हेन अच्छा वैसे भी देखें उसमें पता चलता है कि कुछ चेंज आ रही है, और वैसे भी याद रखिए स्टैंजा जो है ये चेंज है। और जो बारिश है आपको पता है यूरोप में जब बारिश होती है तो वहां पर तो लोग टिटर जाते हैं। हमारे घर को बारिश का कंसेप्ट जो एशिया के अंदर है, मशरक के अंदर, ये फिर भी रहमत वाला है, लेकिन जो यूरोप के अंदर बारिश का ये खास तौर पर जो पोएम का कंसेप्ट है वो, जगह बारिश वहां जब होती है तो परिंदे मर जाते हैं उनके, वहां पर बड़ा बारिश वहां पर क्रूअल चीज है, कोई इतनी बड़ी वो कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। पर एनीवे नोट शेयरिंग हो रही है आपके साथ। एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर द रेन शैल ड्रॉप स्टॉप ए वॉन्डरस लाइट विल फिल ईच डार्क ग्राउंड। आई होप डार्क ग्राउंड ड्रॉप, डार्क ग्राउंड ड्रॉप, आई होप द सन शाइन्स ब्राइटली, आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, इट विल बी लवली साइट। अच्छा मेरे ख्याल में जो सूरज है वो कहता है कि बड़ा जो है वो अच्छी तरह चमकेगा। अच्छा एक और बात है, एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर द शेन देन स्टॉप, सूरज निकलेगा जब बारिश थमेगी। याद रखिए ये बारिश जो है ना ये कोई वो अच्छे वाली बारिश नहीं है, ये वही बारिश है, जब तक ये थमेगी नहीं जुल्म की बारिश सूरज निकल नहीं सकता बेचारा, ठीक है। तो जो कहता है फिर इसने इसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आजकल कहता है हालात में जुल्म है, नाइंसाफ ये बारिश हो रही है, ऊपर वाले खा रहे हैं, निचले वाले जलील हो रहे हैं। फ्यूचर के अंदर सूरज निकलेगा, और सूरज की आपको पता सिर्फ तक हर घर पे चमकता है, और एंड द रेन शैल स्टॉप एंड अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क ग्राउंड ड्रॉप। अच्छा वंडरस के मतलब होते हैं सरप्राइजिंग, ये मैंने आपको सिनोनिम लिखवाए कल, आपने लिख लिए होंगे। वंडरस को होता है सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग, अमेजिंग, वंडरस के सिनोनिम दोबारा लिख सकते हैं आप। एंड लाइट विल फिल ईच डार्क ग्राउंड ड्रॉप एंड आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, कहता उम्मीद है कि सूरज अच्छे वाला निकलेगा, चमकने वाला निकलेगा, इट विल बी लवली साइट, और ये नज़ारा बड़ा जबरदस्त होगा, ये उस नज़ारे से बहुत बेहतर होगा जब तमाम इंसानों को एक जैसा सलूक किया जाएगा। यहाँ पर जो सूरज है ना ये सिंबल है इक्वालिटी की और मुसावात की और जस्टिस की। अच्छा भाई अब रेफरेंस जब देते हैं, अच्छा भाई याद रखिएगा जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना वो आपने एक ही पोएम का तैयार करना होता है। अच्छा अब इसका जब रेफरेंस है तो सेम एज अबव, अगर आपको ये स्टैंजा आ जाता है ना तो आपने इसका सेम एज अबव नहीं लिख देना, आपने ऊपर वाला याद कर लेना है एक थीम जो है, और उसको आपने पोएम का जब कोई भी स्टैंजा आ रहा है तो वह अप्लाई कर देना है। अच्छा जी कॉन्टेक्स्ट भी सेम रहेगा, रेफरेंस भी सेम रहेगा। अच्छा एक्सप्लेनेशन तो जा रहा है, लाइन टू लाइन बदलेगी, वो तो गिवन लाइंस की होती है, और ये बच्चे अक्सर आप एनुअल के अंदर बड़ी गलती करते हैं कि इन दिस पोएम लिख देते हैं, जब भी एक्सप्लेनेशन पे आए तो हमेशा लिखे इन द गिवन लाइंस इन दीज लाइंस। अच्छा द पोएट पोर्ट्रेज द सीन आफ्टर द रेनफॉल, ही होप्स अ मोर पॉजिटिव एंड प्लीजिंग चेंज इन द पैनोरामा ऑफ नेचर, इन द पैनोरामा ऑफ नेचर। ही सेज व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग द सन विल अपीयर विद इट्स ब्यूटिफुल बीम्स स्प्रेडिंग इक्वली एवरीवेयर, इट विल शाइन इक्वली ऑन द रूफ ऑफ द रिच एंड द पुअर। द हिदर्डो, हिदर्डो के मतलब पहले वाला प्रीवियस, द हिदर्डो डार्क ग्राउंड रेन ड्रॉप्स विल शाइन ब्राइटली एंड ब्यूटिफुली अमंग द फ्रेश रेज ऑफ द सन। द पोएम
is much of the poet is much optimistic, bada optimistic hota pur umeed hai about the good brightness of sun under the rain to make the atmosphere full of light and delight. The scene after the rain shows the beauty and the bliss that nature can offer. The sunshine also symbolizes the time in future when there will be equal distribution of sources among all. Contrary to the rain fall, which shows the inequality and economic disparity among the people, we may conclude that these lines are beautiful blend of hope and happiness. तो देखिए भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट था इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट. आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है टेक्स्ट के ऊपर दिया हुआ है, जब आप टेक्स्ट खोलेंगे तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पोएम के एंड पे दिया हुआ है. तो हाउ कैन द रेनी डे बी एंजॉयड? रेनी डे कैन बी एंजॉयड इन डिफरेंट वेज. इट इज मच कंसर्न विद द सीजन, कंट्री, कल्चर एंड सीजन. देखिए, हर मुल्क का रेनी डे का अपना है. यूरोप में बारिश आए तो वो बेचारे अंदर छुप जाते हैं, वहां ज्यादा सर्दी हो जाती है. हमारे यहाँ बारिश है तो हम एंजॉय करते हैं. तो इसका बड़ा ताल्लुक है कि सीजन कंट्री किस में है, कल्चर किस में है. ठीक है, इट कंसर्न विद द सीजन, कंट्री एंड कल्चर. सीजन, कंट्री, ये थोड़ा इसको हम करेक्ट कर लेते हैं. सीजन, कंट्री एंड कल्चर. Enjoying the rainfall offer the different experience in European and Asian countries. Asia में लोग और तरह के enjoy करते हैं, वहाँ पर लोग और तरह से enjoy करते हैं. In Asian countries like Pakistan, it has a special charm in summer season. A rainy season brings equal opportunity to enjoy for both young and old ones, especially the children and young ones come out and bathe in the rain. They also enjoy different chilly activities like splashing water. After some time, they rush toward the restaurants where they enjoy different dishes, especially with ice cream. Rain in summer has meaning and charm than in winter. So, ये एक question भी हमने discuss कर लिया. Thank you very much. अच्छा, एक मैंने आपसे बात share करनी थी कि हम जो lecture है, जब हम poem पढ़ा करेंगे तो वो टेक्स्ट को हम हेल्प लिया करेंगे और उसमें व्हाइट बोर्ड यूज किया करेंगे. और जब हम नोट्स शेयर किया करेंगे तो फिर ये जिस तरह आज मैंने इंटरनल कैमरा यूज किया है तो फिर नोट शेयरिंग के लिए बेस्ट है, ताकि आप बड़े आराम से उसको नोट कर सके. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह सी यू टुमारो.